वही अगली खबर जनपद नैनीताल से है, जहां राजकीय कर्मचारी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में पेंशनर संघ ने अपनी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। इसी दौरान संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। बता दें कि संगठन द्वारा जल्द ही नैनीताल में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए संगठन के अध्यक्ष मंजू बिष्ट ने कहा कि जल्द ही नगर में वृक्षारोपण कार्यक्रम और स्वच्छ अभियान भी संगठन द्वारा किया जाएगा। वही बैठक में पेंशनरी संघ ने कहा कि किसी भी सेवानिवृत्त कार्मिकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज जो हमारी मीटिंग हुई है उस पर एक तो कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है कई पदों पर, और बाकी जो है हमारी पेंशनर्स की जो समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श हुआ है। और हम लोग अभी जैसे पूरा एजेंडा जो साल भर का होता है उसको हमने आज डिसाइड किया है, तो उसमें हम वृक्षारोपण करेंगे और बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं हम। ये यहाँ पर जितने स्कूल हैं, स्कूल के बच्चों के जो टॉपर होते हैं हाई स्कूल में, उन बच्चों को हम छात्रवृत्ति देते हैं। और इसी तरह से कई और मुद्दे हैं जो शहर से रिलेटेड हैं, तो हम उन पर भी विचार विमर्श करते हैं। जितना जैसे सफाई अभियान चलाते हैं हम लोग, तो उस पर भी विचार किया गया कि आगे हम क्या किन किन मुद्दों पर काम करेंगे। और वो तो अब ये है कि हम ये कहने वाली बातें हैं, हम जब काम करेंगे उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या किया।